हेलो एवरीबडी ओटूआ एसकेडमी के हिस्ट्री फैक्टशीट में आपका फिर से स्वागत है जहां हम नियोलिथिक साइट्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए फिर से एक साइट की बात करेंगे सो so स्ट्रेट हम स्टार्ट करते हैं आज कौन सी साइट की हम बात करने वाले हैं सो so आज जिस साइट की हम बात करेंगे डैट इज़ वटगल जो के फिर से उसी रीजन में पड़ती है जिसकी हमने पास्ट कुछ आ, हमारे लेक्चर्स में बात की है डैट इज़ अगेन द रायचूर चूर दुआब या फिर अगर हम बात करें तो पेनसुलर इंडिया के जो हम जो सदरन साइड है उसके बिल्कुल सेंटर में डैट मीनस कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के जो बीच में एक यू कैन से एक बाउंड्री है जहाँ पे ये मीट करते हैं जहाँ पे स्टेट्स uh, की जो बाउंड्रीज़ लोकेटेड हैं तेलंगाना भी आप उसको वहीं में गिन सकते हैं तो वहाँ पे एक जो क्लस्टर बनता है बहुत सारे न्योलिथिक चालकोलिथिक साइट्स का फिर से हम उसी क्लस्टर की बात करने वाले हैं इस क्लस्टर की आज ये लास्ट साइट होगी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा साइट्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं सो डैट इज़ वटगल वटगल रायचूर दोब में पड़ता है जैसे कि हमने अभी बात की कर्नाटका में इसको पिछली ही साइट की तरह के पडैया जी ने एक्सटेंसिवली स्टडी किया है नाइनटीन एटीज़ में एंड जो एक इम्पॉर्टेंट बात रहेगी इस साइट की वो क्या है कि ये प्रोमिनेंटली एक नॉन ऐश माउंट साइट है और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन ऐश माउंट साइट है इस इलाके में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा में ऐश माउंट साइट्स मिली हैं डैट मीन्स कि बहुत बड़े बड़े हीप्स बहुत बड़े बड़े जैसे कूड़े के ढेर हम देखते हैं जिसके ऊपर आग लगाई जाती है जिसमें कावडंग और एनिमल वेस्ट और और भी काफ़ी चीज़ें हमें मिलती हैं तो वैसी चीज़ें हमें इस साइट में नहीं अवेलेबल हुई हैं तो नॉन ऐश माउंट साइट के अगर रेफरेंस से बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अर्लीस्ट साइट में से आ जाती है डैट मीन्स वटगल और वटगल की और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड बी सी के आसपास से इसका जो सेटलमेंट है वो स्टार्ट होता है और इवन आयरन एज तक और यू कैन से 1000 थाउजेंड के बाद भी इसका सेटलमेंट है जो जारी रहता है सो so, उसके कल्चरल सीक्वेंस की बात करें दो ढाई तीन हज़ार तक कंटीन्यूसली सेटलमेंट में रहती है साइट और काफ़ी इंपॉर्टेंट उस हिसाब से हो जाती है स्पेशली अगर हम हिस्ट्री ऑप्शनल में मैप uh, पोर्शन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स में से एक है जो कि अक्सर हमें हर साल uh, ऐसी साइट्स एग्ज़ाम में देखने में मिलती ही मिलती हैं और से बहुत पुरानी साइट है 3000 थाउजेंड बी इसको सेटल कहीं ना कहीं लोगों ने करना शुरू कर दिया था जो उस टाइम पेनसुलर इंडिया में रहते थे तो यहाँ पे माइक्रोलिट्स जो कि बहुत स्मॉल स्मॉल स्टोन्स थे जो पाँच से आठ सेंटीमीटर तक होते थे थोड़ा ऊपर नीचे भी आप इसमें लगा सकते हैं तो ये यह भी यहाँ पर पाए गए हैं जो कि मेनली चर्ट और क्वारजाइट से फ़ैशन uh, होते थे मैनुफैक्चर किए जाते थे अब ये बहुत ही हार्ड स्टोन्स होते हैं जो आपको पेनिनसुलर इंडिया में बहुत ज़्यादा पुराने और हार्ड स्टोन्स अदरवाइज जियोलॉजिकली भी देखें तो अवेलेबल हो जाते हैं चर्ट बड़ा ही एक हार्ड स्टोन होता है जो कि हड़प्पन भी चर्ट से हमने पहले बात की थी कि इससे अपने ब्लेड्स और नाइफ्स कहीं ना कहीं मैनुफैक्चर करते थे क्योंकि पहले आयरन तो अवेलेबल होता नहीं था इसलिए जो चाकू है या फिर डैगर है या फिर छोटे छोटे आपके जो खंजर हैं वो चर्च स्टोन से कहीं कही ना कहीं आते थे तो यहाँ पे भी जो टूल्स हैं वो चर्च्स और क्वारजाइट से बन रहे हैं स्पेशली ल्यूनिट्स ल्यूनिट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे टूल्स जो कि आधे चंद्रमा की शेप के होते हैं कुछ इस टाइप के तो ल्यूनिट्स से अर्ध चंद्रमा वाली जो शेप है उसकी अगर हम बात करें उस शेप के होते हैं ये बहुत ही प्रोमनेंट जो एक माइक्रोलिथ की टाइप है जो हम बोल सकते हैं जो कि यहाँ पर पाई गई है और अगर हम बात करें तो सेंस न्यूलिथिक एज यहाँ पे आ चुकी थी तो एग्रीकल्चर पॉटरी अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की इल्फाइड पॉटरी क्योंकि पॉटरी के जो प्रॉपर ट्रेडिशन आने शुरू हुए हैं वो 2000 बीसी के बाद आने शुरू हुए हैं तो उससे पहले जो पॉटरी थी स्पेशली इन पेनसुलर इंडिया वो उतनी प्रोमिनंटली मेड नहीं थी व्हील मेड पॉटरी नहीं थी बहुत ही पुअर पॉटरी थी जो कि हाथों से बनाई जाती थी हैंड मेड जो कि बहुत ही क्रूड टाइप की होती थी इतनी अच्छी नहीं होती थी इतनी यूज़फुल भी नहीं होती थी लेकिन उसके बावजूद इतना एग्रीकल्चर तो यहाँ पे आ गया था या फिर इतना सिस्टम तो आ गया था कि स्टोरेज करने लग गए थे इस इस एरिया के लोग तो अंडर अंडरग्राउंड जो स्टोरेज है वो यहाँ पर अवेलेबल हुआ है हमें और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वर्टिकल साइट की ये है कि सबसे पहला जो अरीका नट्स का जो हमारे एविडेंस है पूरे साउथ एशिया में वो सबसे पहले इसी साइड से आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हिस्ट्री ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से देखें या फिर जीएस के पर्सपेक्टिव से वो ये होगा कि बीटल नट्स या फिर जिसको हम सुपारी बोल देते हैं हिंदी में जो काफ़ी एरिया uh, में इंडिया के अगर कुछ एरियाज़ में जाएँ तो वहाँ पर काफ़ी च्यू करते हैं सुपारी में इसको तंबाकू वगैरह भी मिलाया होता है कई जगह तो ये सबसे पहला एविडेंस हमें यहाँ से मिलता है और आप देखते हैं कि इसको चू करने के बाद जो एक रेडिश ऑरेंज जो एक माउथ के अंदर जो एक आपको टेंज देखने को मिलता है वो इसी नट की वजह से होता है सबसे पहला एविडेंस हमें यहाँ से मिलता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी इस साइट के बारे में और जो हमने पिछली साइट में भी एक डिस्कस करा था कि बरियल्स की अगर हम बात करें तो अर्न का एविडेंस हमें यहाँ से आता है अर्न मीन्स पॉट बरियल्स अब बरी करने के बहुत ज़्यादा तरीके होते थे आप पूरी बॉडी को भी लिटा सकते हैं एक आप कॉफिन में या फिर एक कैस्केट कह लो या फिर एक डब्बा कह लो जिसके अंदर क्रिश्चियंस आप देखते हैं और बरी करते हैं या फिर आप एक खड्डा खड्डा उस आप लगाओ के ह्यूमन की शेप का छः फुट का एक खड्डा आप करके ठीक है उसमें भी आप बॉडी को कहीं ना कहीं डाल सकते हैं लेकिन अदरवाइज अगर आपने पूरी बॉडी को नहीं भी दफनाना है तो और भी तरीके होते थे कि आपने कुछ पोर्शंस को मान लो आपने सिर्फ हेड को दफनाना है या फिर कुछ हड्डियों को ही दफनाना है या फिर आपने पहले आग लगा दी उसके बाद जो भी रेजिड्यू है जो भी बचा है उसको दफनाना है तो उसके लिए पार्शल बरील्स होते थे तो डैट मीन्स के ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी बॉडी एट अ टाइम आपने दफनाई देनी है सो अर्न बरील्स पार्शल बरील्स का एक हिस्सा होता था जिसमें आपने कुछ रिमेन्स जो बॉडी के आपने उस पॉट में डाल दिए और फिर उस पॉट को आपने अंदर दफना देना तो बेसिकली पॉट बरियल्स का दूसरा नाम मन बरियल्स है जो यहाँ पे हमें अवेलेबल हुए हैं और एक्सटेंडेड बरियल्स भी यहाँ पे मिले हैं एक्सटेंडेड बरियल्स का यहाँ पे क्या मतलब है कि सिर्फ एक सिंपल बरियल नहीं होता था बरियल के साथ और भी काफ़ी चीज़ें की जाती थी एक्सटेंडेड बरियल्स में ग्रेव गुड्स भी शामिल हो सकते हैं कि आपने कबर खो और उसके बीच में आपने पॉट्स रख दिए ज्वेलरी रख दी और भी चीज़ें रख दी या फिर आपने उसी ग्रेव के साथ उसी मकबरे के साथ उसके आगे आपने लगाओ कि मकबरा टाइप आपने कुछ बना दिया है पत्थर लगा दिए हैं मेगा आपने बनाने शुरू कर दिए हैं जैसे आपने सुना होगा कि दिल्ली में हमायूँ का टूम बना हुआ है अकबर का टूम भी सिकंदरा में बना हुआ है सो so बेसिकली क्या है वो ग्रेव ग्रेव्स ही हैं लेकिन ग्रेव्स के आगे उन्होंने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना दिए अब यहाँ पे उस टाइप के स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली नहीं होंगे लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर कर सकते थे पुराने लोग कि जो उन्होंने कबर बनाई है उसके आसपास वो पत्थर या फिर स्टोन्स को सर्कल करते हैं ताकि मार्क हो जाए कि ये जो ग्रेव है किसी इंपॉर्टेंट इंसान की है तो एक्सटेंडेड बरेल्स का यहाँ पे मिलता है जो कि मेगालिथ भी एक टाइप का हो सकता है बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे और बात क्या है कि मरीन शेल्स भी यहाँ पे फाइंड किए गए हैं इवन दो इस शोर से काफ़ी दूर पड़ता है तो हो सकता है कि इस टाइम पे या फिर कुछ कुछ सालों बाद जब ये साइट कहीं ना कहीं सेटल होनी शुरू हुई थी ट्रेड जैसी चीज़ें भी यहाँ पे आने शुरू हो गई क्योंकि मरीन शेल डेफिनेटली पेनासोलो इंडिया के बीचों बीच इतना नहीं मिलेगा बिकॉज ये सी के आसपास पाई जाने वाली चीज़ है लेटर ऑन टेराकोटा ग्रीन या फिर छोटी छोटी मूर्तियाँ भी जो क्ले को तपा कर बनाई जाती हैं वो भी यहाँ पर मिलनी शुरू हो गई तो डैट मीन्स के रिलीजन जैसा एलिमेंट या फिर देवी देवता डी जिनको हम कहते हैं ये चीज़ें भी इस टाइम की सोसाइटी में इंपॉर्टेंट होना शुरू हो गई थी कोई मदर गॉडेस की कोई मूर्ति हो सकती है बुल की कोई मूर्ति हो सकती है सो डैट मीन्स कि रिलिजन या फिर कल्ट जैसी चीज़ें जो है किसी भी चीज़ को फॉलो करना ये चीज़ें उस टाइम के इंसानों में आती जा रही थी और लेटर जब हम बाद में बात करते हैं आयरन एज की 1000 थाउजेंड से बाद में तो आयरन के इम्प्लीमेंट्स भी यहाँ पे मिलते हैं इकॉनमी और सोसाइटी की जो हमने पहले साइड से बात की थी वही चीज़ है कि मिक्स फार्मिंग यहाँ पे प्रेवलेंट थी सिंस बहुत अच्छा इलाका नहीं था एग्रीकल्चर के लिए थोड़ा हाईलैंड था प्लेटि प्लेटिव एरिया था बहुत ज़्यादा उपजाऊ उपजाऊ नहीं था जैसे कि नॉर्थ इंडिया में आज है सो so, पेस्टोरलिज्म या फिर एनिमल हजबेंड्री यहाँ पर ज़्यादा रोल प्ले करता था इवन दो एग्रीकल्चर यहाँ पर एबसेंट नहीं था एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो देयर ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे अवेलेबल होता था सोसाइटी की बात करें तो फैमिली और सिस्टम होगा हो सकता है मैरिज जैसी चीज़ भी प्रेवलेंट हो या फिर एक छोटा फैमिली में भी जॉइंट फैमिली जैसा कोई सिस्टम हो इवन दो ये चीज़ें बिल्कुल क्लैरिटी से नहीं बताई जा सकती बट कुछ आप कह सकते हैं कि सोशल कॉन्शियसनेस ट्राइबल कॉन्शियसनेस जरूर रही होगी तभी लोग एक विलेज में एक सिस्टम के हिसाब से रह रहे हैं और यहाँ पे जब हम मूर्तियों की बात करें तो रिलीजन या फिर किसी कल्ट को या किसी भी आप कह लो नेचुरल फोर्स को मानने जैसी चीज़ें भी यहाँ पे सामने आ रही हैं so कि सो डैट मीन्स के सोशल जो सिस्टम है सोसाइटी का जो एक कंप्लेक्सिटी है वो ज़्यादा होनी शुरू हो गई है लोग काफ़ी अपनी सोसाइटी को कम्प्लेक्स बनाना शुरू हो गए हैं रिलीजन और और भी जो सोशल कस्टम्स हैं ये डेवलप होना कहीं ना कहीं शुरू हो गए हैं सो so जैसे कि हमने पहले भी सिमिलर साइट्स में करा था सो डैट मीन्स के एज की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर के साथ साथ इंसानों ने अपनी काफ़ी ज़्यादा तरक्की करनी शुरू कर दी थी एटलीस्ट उस रास्ते पे ज़रूर चल पड़े थे जिस रास्ते पे आज हम मॉडर्न ह्यूमंस बहुत आगे निकल चुके हैं सो आई होप आई होप आपको इस साइट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा न्यूलिथिक्ज के काफ़ी पहलू आपको समझ में आए होंगे नेक्स्ट लेक्चर से हम दूसरे एरियाज़ को कवर करेंगे वहाँ के इंपॉर्टेंट साइट्स को कवर करेंगे तब तक आई होप आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे स्पेशली हिस्ट्री ऑप्शनल वाले भी एंड uh, तब तक uh, तब तक के लिए जय हिंद और अच्छे से आप रिवाइज करते रहिए